अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे, जो कि आज कल जो कोरोना के हालात जो चल रहे हैं उसके हवाले से तो बहुत ज़्यादा जो दूसरी लहर आई है कोरोना की, तो उससे तो काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग है और ऊपर से सर्दी भी है, तो जिसकी वजह से वो मज़ीद फैल रहा है। तो आप लोग अपना ख्याल रखें और अपने अपने घरों में रहें। बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है तो ही आप बाहर निकलें, वरना निकलने की जरूरत, और अगर आपने निकलना है तो आप मास्क वगैरह ग्लव्स वगैरह पहन के निकलें। खैर, ये तो बातें होती रहेंगी। तो आज मैं आपके लिए जो रेमेडी लेकर आई हूँ, ब्यूटी रेमेडी जो लेकर आई हूँ, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि अच्छी है। मैं खुद ये चीज़ें, गाइस, जो चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करती हूँ वो मैं खुद भी सारी यूज़ करती हूँ, अपने ऊपर भी अप्लाई करती हूँ, तो ही मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि आप लोगों की स्किन ख़राब हो, आप लोगों के बाल ख़राब हों, इसलिए पहले मैं खुद पर ट्राई करती हूँ फिर मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो आज मैं जो रेमेडी लेकर आई हूँ वो है विटामिन सी, जो कि हमारे स्किन के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, जो कि हमारी बॉडी जो है वो विटामिन सी नहीं प्रोड्यूस करती। तो जैसे जैसे एज ज़्यादा होती है तो हमारी बॉडी में से कोलेजन प्रोडक्शन जो है वो बनना बंद हो जाता है। तो आपको अगर आपकी बॉडी वो नहीं बना रही या वो प्रोड्यूस नहीं कर रही, तो आपको आप दूसरे तरीके से भी उसको ले सकते हैं। तो मैं विटामिन सी सीरम बनाऊंगी आपके सामने, और सबसे पहले मैं आपके सामने ये चीज़ें बता दूं आपको कि इसमें क्या क्या ऐड होगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये बनेगा कैसे। सबसे पहले हम लेंगे ये छिलके, बहुत इसको मैंने सुखा लिया था, अगर ना भी सूखे हों तो भी ठीक है, आप इसको आपने बॉयल ही करना है तो ठीक है। ये ऑरेंज है तो इसका भी रस हमें थोड़ा सा चाहिए होगा, तो फ्रेश जो रस है वो हमें चाहिए होगा, तो इसको हम अभी थोड़ा सा वो करेंगे, कद्दूकश करेंगे। और ये है पैन, एक कप है छोटा स्टील का, ये हमें दो चाहिए होंगे, तो ये है पैन स्टील का, और आपने स्टील का ही बर्तन लेना है, नॉन स्टिक नहीं लेना, और जो सिल्वर है वो भी नहीं लेना। स्टील जो है वो बेस्ट है, अगर आप कोई रेमेडी इस तरह की बना रहे हैं या कोई क्रीम बना रहे हैं अपने फेस के लिए, तो आपने हमेशा स्टील का ही बर्तन यूज़ करना है। और इसके अंदर हम ये पानी डालेंगे। तो गाइस, ये दो कप हम पानी डालेंगे, ठीक है। अब ये जो छिलके हैं ये हम इसके अंदर डाल देंगे, और हम इसको पैन को फ्लेम ऑन करके इसको रख देंगे, ताकि ये मिक्सचर हमारा थोड़ा सा पकेगा तो ये इसका जो रस है वो निकल आएगा। गाइज, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये अभी मैंने इसको रख दिया है, तो ये थोड़ी देर में बॉयल शुरू हो जाएगा, उबलना शुरू हो जाएगा, तो इसमें जो इनका रस है छिलकों का वो भी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने इसको तकरीबन कोई 5-10 मिनट पकाना है। तो गाइज़, तब तक जब तक ये बॉयल होंगे तो हम इसका रस निकाल लेते हैं, ऐसे इसको थोड़ा सा हमने कद्दूकश करना है, तो इसके छिलके को सिर्फ करना है, तो ये हम ऐसे करके, ये देखें गाइज़, ये आपको ऐसे शक्ल इसकी नज़र आएगी। तो आपने सारे छिलकों को ऐसे ऊपर से इसकी लेयर उतार लेनी है एक,
ये हम सारा इसको ना पील कर लेंगे एक दफ़ा। गाइज ये हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ एक ऑरेंज का काफ़ी होगा। तो आपने इसके लिए मौसमियाँ लेनी है, मतलब ऑरेंज नहीं लेना जो ऑरेंज, क्योंकि मौसमी की जो स्किन है वो हार्ड होती है थोड़ी सी, तो उसको आपको इस तरह पील करने में आसानी होगी। तो गाइज ये देखें इसको हमने पील कर लिए। अब हम ये लीमू की भी स्किन उतार लेंगे थोड़ी सी इसी प्रोसीजर से। तो गाइज ये हो गए, ठीक है, इसको हम निकाल लेंगे। गाइज ये देखें ये है, हमें ये ज़्यादा नहीं चाहिए, ये बस थोड़ा सा ही हमें चाहिए। तो अभी हम इसको उस पानी, जो पानी बॉयल हो रहा है वो, उसके अंदर हम इसको डाल देंगे। तो गाइज ये बनकर रेडी है, ये देखें ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। तो इसका हम स्टेन कर लेते हैं इसको। अब ये देखें इस तरह से आपको छिलके वेस्ट कर दें आप, क्योंकि छिलके हमें नहीं चाहिए, ठीक है। गाइस ये देखें, ये देखें ये है, पानी उसका ऑरेंजेस का। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा एलोवेरा जेल। तो आप इसमें एलोवेरा जेल डाल सकते हैं, और एलोवेरा जेल तो मस्त, उसके बगैर तो ये बनेगा नहीं सीरम। आप इसको हाली भी यूज़ कर सकते हैं स्प्रे बॉटल में, इस तरह की स्प्रे बॉटल्स मिल जाती हैं बाज़ार से, आराम से मिल जाएगी, हाली भी मिल जाती है। अगर आपके पास रोज़ वाटर की है तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास तो ये थी वाटर की, तो फ़िलहाल मैं ये यूज़ करूँगी। तो गाइज़ा हम इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे, और इसके अंदर हमने दो चम्मच, क्योंकि ये बन के दो बड़े चम्मच ही रह गए बस, तो इसमें हमने सिर्फ दो चम्मच ही, छोटे चाय वाले जो चम्मच हैं वो हमने दो इसमें डालने हैं। जैसे ही थोड़ा रूम टेम्परेचर आएगा तो हमने इसके अंदर एलोवेरा जेल डालनी है। ये गाइस हम इसमें डाल देते हैं। आप इसके अंदर विटामिन ई के कैप्सूल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल है, तो मैं ऐड करूँगी। तो आप चाहें तो डाल सकते हैं इसमें। मैंने दो चम्मच ये डाल दिए, अब हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें गाइस, ये जैसे ही थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो आपने इसको अपनी जो उसके अंदर डाल, आप चाहें आप इसमें रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर डालूँगी, ठीक है ऐसे। तो गाइस मैंने इसमें दो टेबलस्पून रोज़ वाटर के डाल दिए हैं। तो आप इसके अंदर ही अब ये जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो इसको हम इसमें डाल देंगे। तो गाइस ये देखें ये बनकर रेडी है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। इस तरह से आपको मेरी जो आने वाली वीडियोस हैं वो भी आराम से मिल जाएंगी। तो मुझे अब दें इजाज़त। तो उम्मीद है कि आपको, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी रेमेडीज़ को यूज़ करेंगे और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।